हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का जो मेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आईओपीसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मालूम पड़ेगी, आईओपीसी के रूल्स क्या क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। ओके, हर एक चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ फोकस करिए और प्लीज़ ये वीडियो कम्प्लीट देखिए, ताकि आपको कोई भी मिक्स इसमें का कोई भी ऐसा एक कंसेप्ट, छोटा सा भी कंसेप्ट आपको आईओपीसी का नहीं आया, दैट शुड बी वेरी वेरी बैड। ओके, तो आपको प्लीज़ ऐसा कुछ करना नहीं है। हर एक रूल को एनालिसिस करिए, हर एक रूल को एक्सप्लेन करूँगा मैं, कुछ एग्जाम्पल भी लूँगा, एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नहीं आते तो मैं सॉल्व कर दूँगा। इस तरह से कम्प्लीट ये वीडियो अपने को चलाना है। प्लीज़ एंड तक देखिए ये वीडियोज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी नॉमिनेटर के टोटल रूल्स यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो रूल्स देखिए, अब फर्स्ट नंबर का जो आपका रूल आता है, रूल नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल कहते हैं हम उसको। क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट चेन रूल। अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है कार्बन की। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ अ कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड एज अ द पैरेंट चेन। कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांचेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम ब्रांचेस बोलते हैं। चेयर कॉल्ड एज अ ब्रांचेस एंड सब्सिट्यूएंट कंपाउंड। आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जो कि कार्बन की होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, और आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो तो उसको नंबर दे दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वी विल टेक द एग्जांपल, ये रूल नंबर वन था आपका, तो अभी मालूम पड़ जाएगा आपको कैसे। एग्जांपल देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल आ रहा है, CH3 है, CH दिया है, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3 ब्रांचेस। इसमें से आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जहाँ पे मैं डार्क किया है पॉइंट हो के, वो लॉन्गेस्ट चेन है आपकी। आप देख रहे हो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आपकी, याद रखें। अब इसको नंबरिंग कैसे देनी है ये बात की बात है, पहले तो आप ये पढ़ लीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन होती क्या है, लॉन्गेस्ट चेन किस तरह से देनी होती है। तो गाइज, इस तरह से आपको लॉन्गेस्ट चेन देनी होती है। तो याद रखिए, जो ब्रांचेस आपके अटैच हुए हैं जिस चेन को हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, जिसको मार्क किया है हमने हाईलाइट से, उसको हम पैरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम पैरेंट चेन। और जिनको नंबर, जिनको हम लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करें गाइज, उसको हम बोलते हैं सब्सिट्यूएंट कंपाउंड, या फिर इसको आप ब्रांच भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अब इसको ब्रांच भी बोल सकते हो। तो CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे भी CH3 है, ये सब कुछ कोने ब्रांचेस है, कोने आपके ये ब्रांचेस है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे हम। आप आगे की तरफ तरफ देखिए, हर एक रूल को एक्सप्लेन करना है। नोट, ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, इस एग्जाम्पल में आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है गाइस। तो ये लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, आपको दिख रहा है ये होगी, या फिर आप उसको नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने का बनाया आपके इसमें? टोटल 7 का बनाया। अगर मैं यही चेन 7 कार्बन एटम्स के साथ इस तरह से सिलेक्ट करूँ, तो गाइस कितने कार्बन आ जाएंगे आपके? यहाँ पे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं आपके? टोटल 9 कार्बन आ रहे हैं गाइस। तो नोट करिए कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? जहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन एटम से नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, वो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो हमारी 9 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है गाइज, एज कम्पेयर टू 7 कार्बन एटम। ओके, तो इस तरह से आपको नंबरिंग देनी। तो ऊपर वाली जो है वो रॉन्ग चेन है, और नीचे वाली जो है आपकी वो करेक्ट चेन है गाइज। ओके, तो इसको आप याद रखिए। तो ऊपर वाला तो कुछ है नहीं, डाउन साइड में दिखा रहा हूँ। ओके, कुछ भी कुछ काम का नहीं आपका। और नीचे वाला जो है वो करेक्ट चेन है आपका, वो आएगा आपका सही, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। थोड़ा सा मैंने कॉमेडी सेशन के लिए कुछ यहाँ पे डाल दिए इस तरह से। ओके, तो आपको थोड़ा मज़ा आ जाएगा इस वीडियोज़ में देखने के लिए। इट मे बी नोटेड द लॉन्गेस्ट चेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेट, बट इट मस्ट बी कंटिन्यूस। ये आपको नोट करना है कि ज़रूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट होगी। दे मे बी हैविंग अ पर्टिकुलरली zigzag लाइन फॉर्मेट, वो zigzag लाइन में भी हो सकती है, बस वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। दे मस्ट बी इन अ कंटिन्यूस फॉर्मेट, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेट होती है हमेशा, ठीक है ना। तो नोट करते चलिए पॉइंट को। आई होप सो आपने पिछला नोट किया होगा। हर एक रूल को नोट करिए, जिनके पास नोट्स नहीं है, मैंने पढ़ाया है, जिनका नहीं पढ़ना हुआ है उनके पास अगर नोट्स नहीं है, तो प्लीज़ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को स्टॉप करिए वीडियो, और फिर आपको इसको नोट करते बैठना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, रूल नंबर सेकंड आ रहा है, इसको बोलेंगे हम लोवेस्ट नंबर रूल। अब यहाँ आपको बोलेगा, सर पहला तो रूल अपना लॉन्गेस्ट नंबर चेन थी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी, सेकंड नंबर है लोवेस्ट नंबर रूल। ओके, ये रूल कहता है कि आपको अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है,
तो आपके ब्रांचेस को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आपको प्रोवाइड करना है। ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट कंपाउंड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन एज 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड विच गिव द लोवेस्ट पॉसिबल टू द कैरिंग द सबस्टिट्यूएंट कंपाउंड। जो भी कंपाउंड एक सबस्टिट्यूएंट कंपाउंड को कैरी कर रहा है, सबस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है, उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। मतलब क्या, ब्रांच को या फिर सबस्टिट्यूएंट क्लोरो ब्रोमो आयोडो जैसे कंपाउंड को। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया यहाँ पे आपको, दिख लो यहाँ पे दो, वही एग्जाम्पल मैं नीचे लिख रहा हूँ। पहले इसमें हम नंबरिंग ऐसे देते हैं, ऐसे लॉन्गेज चेन सेलेक्ट कर दी। लॉन्गेज चेन ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दे दिया हमने, और नीचे के कंपाउंड में आपने लेफ्ट टू, आपने राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट किए, तो नंबरिंग भी वैसे जाएंगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5। और नाउ विच वन इज द राइट गाइज, अकॉर्डिंग टू दी आईयूपीएसी रूल लोवेस्ट नंबर जाना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच को। तो CH3 आपका सब्स्टिट्यूएंट भी है एज वेल एज यू कैन कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑल्सो। ओके, तो 2 नंबर लोवेस्ट है एज कम्पेयर टू 4 नंबर गाइज। तो दिस रूल इज सेड दैट कि आपका कंटेंस 5, दोनों में कंटेंस 5 कार्बन आइटम्स है, लेकिन नीचे वाली चेन रॉन्ग नंबरिंग होगी क्योंकि उसमें नंबर 4 आ रहा है, ऊपर 2 नंबर आ रहा है, दैट इज द रीजन ऊपर वाली 2 चेन बराबर होगी। ओके, 2 करेक्ट चेन होगी। इज दैट क्लियर गाइज? होप सो आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ कंसेप्ट सर अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन द यूट्यूब, यू कैन आस्क मी ऑन द इन द क्लास। ओके ऑल्सो, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब जितनी आपको जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी वैसे आप पूछ सकते हो। रूल नंबर 3 आ गया सर आपके सामने, बोलना आप देख लो ये तो रूल नंबर 3 क्या है। तो रूल नंबर 3 में मैंने आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, जिस तरह से मतलब कुछ कंपाउंड मतलब एक ही कंपाउंड दिया है, और इसमें लॉन्गेज चेन सेलेक्ट किया हमने। ओके, अब लॉन्गेज चेन सेलेक्ट करते वक्त एक है कि आपने ऊपर में नंबर ऑफ लॉन्गेज चेन ऐसे सेलेक्ट की जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल सेलेक्ट द सच लॉन्गेज चेन विच कंटेनिंग नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट कंपाउंड, नंबर ऑफ ब्रांचेस, दैट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसी चेन आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस रूल के अंदर हमने ऐसी चेन सिलेक्ट कर ली है, बट नीचे के इसमें हमने एक CH3 के ब्रांच को छोड़ दिया था। तो देख लिए कंटेंस 6 कार्बन आइटम, नीचे वाले इसमें भी कितने आ रहे हैं, 6 कार्बन आइटम आ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले इसमें क्या है कि सर एक ब्रांच है, 2 ब्रांच है, और नीचे वाले में सर सिर्फ एक बड़ी मॉलिक्यूल की ब्रांच मिल रही है, दैट इज रॉन्ग। तो विद द 2 अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड द पॉसिबिलिटी इज वेयर, एंड विद द 1 अल्किल सब्स्टिट्यूएंट इज पॉसिबिलिटी लेस। तो नीचे वाला कंपाउंड आपका लेस होगा, दैट इज नॉट टू मच स्टेबल, ऊपर वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ 2 ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांच सिलेक्ट होनी चाहिए गाइस। ओके, याद रखना, तो नीचे वाला रॉन्ग हो गया, ऊपर वाला सही हो गया। तो रूल क्या था, इफ द चेन इज इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, अगर इक्वल लेंथ है तो फिर ये रूल लगाना है, सेलेक्ट द वन विद द लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। क्या करना है आपको, लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन मतलब क्या गाइस, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को आप बोलते हो। ओके, या ब्रांच बोलते हो आप जिसको, तो वो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड या ब्रांच ज़्यादा आनी चाहिए, उस हिसाब से आपको ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इज दैट क्लियर? होप सो ये क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज करो वीडियो। ओके, पॉज करो वीडियो और फिर नोट करिए। ओके, रूल नंबर 4 देख लीजिए। रूल नंबर 4 आ रहा है आपके सामने, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट आर साइड चेन ऑकर्स मोर देन वंस, तो प्रेफिक्स आपको लग, अगर आपके पास एक से ज्यादा ब्रांचेस है एंड दे हैविंग अ सिमेट्रिकल ब्रांचेस, वो ब्रांचेस सिमेट्रिकल है, तो ऐसे टाइम पे आपको कुछ प्रेफिक्स ऐड करने हैं जिनको हम न्यूमेरिकल प्रेफिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, न्यूमेरिकल प्रेफिक्स भी बोलते हैं हम इसको। ओके, तो ये भी आपको नोट करने से है कि ये जो प्रेफिक्स है कौन से प्रेफिक्स है, न्यूमेरिकल प्रेफिक्स है, कौन से प्रेफिक्स है आपके, न्यूमेरिकल प्रेफिक्स है। तो आपको डाई ट्राई टेट्रा, डाई फॉर द 2, ट्राई फॉर द 3, टेट्रा फॉर द 4 एंड पेंटा फॉर द 5, वैसी हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डीका, इस तरह से नंबर, इतने सारे तो ब्रांचेस आते नहीं है लेकिन आ गए तो आपको इस तरह से यूज करना है। और अटैच टू नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, आपको नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करना है। याद रखिए ये प्रेफिक्स है, न्यूमेरिकल प्रेफिक्स है, और जिनके नाम के आगे लगाना है वो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हो गए। जैसे कि मिथिल के नाम के आगे लगाना है तो डाईमिथिल, ट्राईमिथिल, टेट्रामिथिल, पेंटामिथिल हो जाएगा, या ब्रोमो के आगे लगाना है तो डाई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो, पेंटा ब्रोमो, इस तरह से हो जाएगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते गए, देखो अब ये मैंने आपको कुछ एक कंपाउंड दिया निकाल के, मैंने आपको देख लीजिए आप CH3 CH CH3 CH3, यहाँ पे अगर थोड़ा सा नोटिस किया जाए तो आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गई है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, और यहाँ पे नंबरिंग भी हम दे दे रहे हैं 1, 2, 3, 4,
लोवेस्ट नंबर आपका किधर से भी दो आपको लोवेस्ट नंबर मिथिल को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गाइस थोड़ा नोट किया तो यहाँ पे आपकी दो ब्रांचेस सिमेट्रिकल है। अब थोड़ा नोट करिए, दो ब्रांचेस सिमेट्रिकल ब्रांचेस आ रही है एंड दैट इज द रीजन सिमेट्रिकल ब्रांचेस आ रही है। तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल प्रेफिक्स यूज करने पड़ेंगे जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। अब कितने हैं, ये दो है तो इसको क्या लिखोगे, डाई लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2.3 डायमिथिल ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। मैंने और एक कंपाउंड दे दिया गाइस आपको। अब इस कंपाउंड में देखिए आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये है लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर आपके पूरे टोटल मिला के 6 कार्बन आ रहे हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। अब यहाँ पे दो नंबरिंग दे देते हैं हम। पहले नंबरिंग देने के बाद आपको पता चला कि किसी दो सब्सिट्यूएंट कंपाउंड को नंबर नहीं मिला जो 3 पे अटैच है, एक ये और एक ए आपका। तो ये दोनों भी कौन है, ब्रांचेस है, तो दोनों सिमेट्रिकल ब्रांचेस। C2H5 मतलब इथिल होता है, C2H5 मतलब इथिल होता है। ओके तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको 6 कार्बन, इसलिए क्या लिखोगे, सबसे पहले 6 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3.3 आएगा। ओके गाइज दो ब्रांच, इसलिए 2 टाइम्स आपको 3.3 लिखना है गाइज। ओके याद रखना, अगर मैं नंबरिंग इधर से दू 1 2 3 4 नंबर आ जाएगा 5 एंड 6, तो आपको पता है कि 4 नंबर पे ब्रांचेस को लॉन्गेस्ट नंबर मिल रहा है, कम नंबर नहीं मिल रहा है। ओके इसको हम अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। देखो 3 नंबर है तो 3 नंबर पे आपको क्या करना होता है, आप 3 नंबर पे, यहाँ पे 4 फॉर्म ऑफ 4 आ रहा है तो 3 नंबर पे क्या करोगे, 3+3 कर दीजिए आप। 3+3 इज इक्वल टू 6 होता है। जिसको लोवेस्ट नंबर आएगा वो आपकी चेन राइट होगी। 4+4 किया तो आपको 8 आता है, तो यहाँ पे 6 स्मॉल है एज कम्पेयर टू 8, इसलिए 3.3+3 की नंबरिंग सही होगी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आपने अप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा। एक रूल अप्लाई करो अपना, कौन सा, कि अकॉर्डिंग टू आईबीसी रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट द सच अ लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर, गाइज लिसन, लोवेस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, नॉट अ लॉन्गेस्ट नंबर। 3 से बड़ा 4 होता है तो 4 इज नॉट अ राइट आंसर, 4 आपका लॉन्गेस्ट में आ गया। ऐसा देखा जाए तो हमको ये 3+3 इक्वल टू 6 भी पढ़ा जाता है, 4+4 इक्वल टू 8 भी पढ़ा जाता है, बट इट डजन मैटर। ओके आपको सिर्फ याद रखना है कि 3 इज द लोएस्ट नंबर एज कम्पेयर टू 4। तो राइट नंबरिंग क्या हो जाएगी आपकी, राइट नंबरिंग हो जाएगी 3.3 और रॉन्ग नंबरिंग 4.4। सो इसका नाम क्या आ जाएगा गाइज, आपको लिखना है 3.3 डाइथिल हेक्सेन। क्या आ जाएगा, डाइथिल को हम क्यों लिख रहे हैं पहले, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड मतलब सेकेंडरी प्रेफिक्स को हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था टेबल। ओके प्रीवियस वीडियोस में हमने आईपीसी के टेबल पढ़ा था कि प्रेफिक्स जो होते हैं उनको स्टार्टिंग में लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रेफिक्स जो है आपको उसको स्टार्टिंग में लिखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल इस तरह से इसकी नंबरिंग आ जाएगी, इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। बढ़ते आगे, लुक एट द कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपको दिख रहा है कि आपको देनी है लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन देनी है, तो कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर दी। अब नंबरिंग सिलेक्ट करना है आपको, तो नंबरिंग में इधर से जरा 1 2 3 4 5 6, क्या ये नंबरिंग सही है, पहला क्वेश्चन ये आता है। अगर मैं आपको वो रूल अप्लाई करने का बोलूँ तो रूल कैसे अप्लाई करोगे आप, वो रूल आपको करना पड़ेगा 2+5+5, तो जितने एडिशन आ रही है वो ज़्यादा होगी या कम होगी आपको देखना है। अगर वो ज़्यादा है कंपेयर टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाने में, तो डेफिनेटली वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम नंबरिंग देते हैं हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सॉरी। ओके अभी हमने लेफ्ट टू राइट दे दिया, हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग देते हैं, देख लीजिए आप कैसे आएगा। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, 3 ब्रांचेस है, सिमेट्रिकल ब्रांच है यहाँ पे, तो 2.5.5 आ जाएगा। अब 2.5.5 ठीक है। अब नंबरिंग देखो इधर से दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग आ गई। तो आपके 2 पे कितने ब्रांचेस आ रही है, 2, तो क्या करोगे 2.2 लिखोगे। अब सबकी बार क्या लिखोगे, 2.2 एंड 0.5 लिख दोगे। अब हमारा वो जो रूल था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रूल जो हमने पढ़ा था कि आप एडिशन कर दो, तो आप कर दो 2+2+5 की एडिशन कर दो, 2+5+5 की एडिशन कर दो। आप देखो आंसर क्या आता है, जिसकी नंबरिंग ज़्यादा बड़ी आएगी, जिसका नंबर ज़्यादा बड़ा आएगा वो रॉन्ग होगा, जिसका नंबर ज़्यादा छोटा आएगा वो करेक्ट होगा। तो आपको दिख रहा है कि 9 नंबर हमारा 2+2+5 से आया है, तो दैट शुड बी द राइट नंबरिंग। तो मतलब आपको राइट टू लेफ्ट जाना है नंबरिंग में, आपको अकॉर्डिंग टू द आईपीसी रूल सिलेक्ट द सच लॉन्गेस्ट चेन,
which containing number of low number of branches to going the lowest number, give the lowest number to number of branches, give the lowest number to number of branches. वहाँ पे फाइव नंबर पे आपका दो नहीं आना चाहिए था, ओके, सो सॉरी फाइव नंबर पे टू नहीं आना चाहिए था, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऊपर की नंबरिंग हमारी सही होगी. इसमें नाइन आपका छोटा है इसलिए नाइन की नंबरिंग ही आपकी सही है, मतलब ऊपर वाली नंबरिंग ही आपकी सही है. क्लियर है? सो नीचे का स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऊपर का स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस अपना. चलो आप बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा, ट्राई करो, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, चलो ट्राई करो. ओके, सो लुक एट दैट वन, आपने पॉज करके हमेशा ट्राई करते रहना है, हमेशा वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो. ट्राई करना है तो आपको बेस्ट ऑप्शन है कि वैसे ही करना है, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो. आपको भी आना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सच में आपके दिमाग में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप खुद से ट्राई करो. ओके, सो लुक एट दैट वन, तो क्या आ जाएगा, 2.2.5 कितने हैं मिथिल, तीन है, तीन के लिए यूज़ क्या करते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ट्राई यूज़ करते रहो, ट्राई मिथिल हेक्सेन आ जाएगा, लॉन्गेज चेन में सिक्स कार्बन है, हेक्सेन आ जाएगा. इस तरह से इसका नाम हो गया, आपका नामकरण हो गया इसका. अब रूल नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट रूल नंबर फाइव है आपका, इफ टू डिफरेंट सब्सटेंट आर लोकेटेड टू इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर दो डिफरेंट सब्सटेंट कंपाउंड डिफरेंट पोजीशन पे अटैच है या सेम पोजीशन पे अटैच भी रहा या डिफरेंट पोजीशन पे अटैच रहा, तो आपको करना क्या है, फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द मेन चेन दैन नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन इन सच अ वे दैट द अल्किल ग्रुप That alkyl group which come first in alphabetical order gets the lower number. Guys, याद रखो, अगर दो सब्सटेंट कंपाउंड है अदर बोथ आर द टेकिंग अ पोजिशन ऑफ ए टर्मिनल या टर्मिनल की एडजेसेंट पोजिशन ले रहे हैं, अब दोनों तरफ से नंबरिंग देने के चांसेस है, तो आपको वैसे ही नंबरिंग देनी है जहाँ पे अल्फाबेटिकली जो सब्सटेंट का नाम पहले आएगा, जैसे ब्रोमो का बी पहले आ रहा है, क्लोरो का सी बाद में आता है, मिथिल का एम बाद में आता है, इथिल का ई पहले आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही आपको नंबरिंग देनी है. इसका भी एग्जांपल है हमारे पास, देख लीजिए आप, CH3 CH2 ले लेंगे, उसके बाद और CH ले लेंगे, इसको हम ब्रांच लगा देंगे तो आपकी आपको क्लियर हो जाएगा. मैं एक CH को C2H5 लगा रहा हूँ और एक CH को CH3 लगा रहा हूँ, देख लीजिए आप, मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, क्या कही मैंने, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली. अब इस लॉन्गेस्ट चेन को आपको नंबरिंग देनी है, तो आप सोच रहे हो कि सर कहीं से भी दो सिमेट्रिकली आएगा, नहीं, आपको इथिल कंपाउंड को, मिथिल नाम है एक का और एक का नाम क्या है, इथिल है, आपको मालूम है अच्छी तरह से, ये हमारा मिथिल है और ये हमारा इथिल है, तो बताओ मुझे अल्फाबेटिकली ई पहले आता है या एम पहले आता है, भाई ABCD तो पढ़ी है हमने, तो ई पहले आता है एज कम्पेयर टू एम, बराबर है, तो ई को सबसे पहले लिखना है आपको, इथिल को सबसे पहले लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट IUPAC रूल सबसे पहले हम जब लिखेंगे तब इथिल को लिखेंगे, सबसे पहले जब लिखेंगे हम इथिल को लिखेंगे, तो किस तरह से आ जाएगा नाम इसका, ये दो ब्रांचेस है आपकी, दोनों ब्रांच को आपको नंबरिंग देखो कास्ट दे रहे हैं, इन्होंने पहली जो नंबरिंग दी है वो रॉन्ग नंबरिंग है, क्योंकि उसमें मिथिल को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है और इथिल को हाईएस्ट नंबर मिल रहा है, जो कि रॉन्ग है, आपको मालूम है अच्छी तरह से. ओके, इसको मिटा देते हैं और हम आपकी नंबरिंग जो है वो सही तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबरिंग आई थी आपकी, बराबर है, तो इसका नाम क्या आ गया, 4-ethyl-3-methyl-hexane आ गया, अकॉर्डिंग टू द अबव रॉन्ग नंबरिंग के हिसाब से नाम क्या होगा, 4-ethyl-3-methyl-hexane होगा. लेकिन अगर मैं नीचे से नंबरिंग दूँ तो 3 नंबर मेरे इथिल को आ रहा है, लोवेस्ट नंबर, बाद में मिथिल को आ रहा है क्योंकि जो सही है 5 and 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब मालूम है आपको 3-ethyl पहले आएगा, बाद में 4-methyl आएगा, उसके बाद हेक्सेन आएगा. नाउ लुक एट द कंसेप्ट गाइस, यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर को सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी दी है हमने, लोवेस्ट नंबरिंग दिया है, तो हमारा रूल कहता है कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हो, सुन लो, अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हो तो ऐसे समय पे आपको क्या करना है, ऐसे समय पे आपको लोवेस्ट नंबर अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से सब्सटेंट को देना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से सब्सटेंट को देना है. तो यहाँ पे हमारी ऊपर की जो सीरीज है वो रॉन्ग है और नीचे की सीरीज जो दी है हमने वो एकदम करेक्ट होगी गाइस. ठीक है, सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका नीचे का, तो दैट विल बी द राइट आंसर. आई होप सो यू गॉट द आंसर गाइस. गाइस नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट कंपाउंड, देखो ऐसे कंपाउंड देखने हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ज़्यादा स्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो बड़ी बड़ी हो,
तो उसको हमें नंबरिंग किस तरह से देनी है आपको वो देख सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस रूल में सबसे पहला रूल क्या आता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जहाँ पे आपके सबस्ट्रेट को मतलब ब्रांचेस को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आपके ब्रांचेस को लोवेस्ट नंबर। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन जो है ये वाली आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली जो लॉन्गेस्ट चेन है आपकी यहाँ पे इस तरह से ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें बात करनी है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं। तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और इतनी बड़ी एक ब्रांच दी है आपको। अब इतने बड़े ब्रांच का नाम क्या होगा ये समझने के लिए आपको कंसेप्ट को ठीक से याद रखना पड़ेगा, कंसेप्ट को ठीक से देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ब्रांचेस के नाम लैंडिंग में होते हैं, पहले नंबरिंग दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको मालूम है लोवेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग सही है, टू नंबर को, टू नंबर पे दो ब्रांचेस हैं तो उनको लोवेस्ट नंबर मिल गया, और इधर आपके सिक्स नंबर को भी एक नंबर मिला, फोर नंबर को बड़ा ग्रुप मिला। अब हम बात करते हैं आगे की इसकी, इसका नाम क्या जाएगा। नीचे वाली जो नंबरिंग है गाइज वो थोड़ा फोकस रखिए उधर, नीचे वाली नंबरिंग की तरफ। नीचे वाली नंबरिंग को आपको अलग से नंबरिंग देनी है बिकॉज इट्स अ बिग कंपाउंड, इट्स अ बिग कंपाउंड, इसलिए आपको 1, 4 नंबर पे जहाँ पे अटैच है वहाँ से नंबरिंग देनी है। 1, 2, 3, 1 पे अटैच कौन है गाइज? मिथिल है, और ये कौन सा कंपाउंड है आपका? प्रोपिल कंपाउंड है। याद रखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, तो इसको एज अ अल्किल के फॉर्मेट में ही लिखना है, अल्केन के फॉर्मेट में नहीं लिखना है। मतलब मैं इसका लिखूंगा प्रोपिल, तीन का बना रहे ना, तो 1 मिथिल प्रोपिल कंपाउंड में इसको लिख दूंगा, जो कि एक ब्रांच है। ओके, ब्रांच के सबसे जाना है आपको। अब इसका कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे गाइस? टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8। 8 को क्या होता है? ऑक्टेन होता है। सबसे पहले ऑक्टेन को फोकस करिए आप, ऑक्टेन जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके टिक कर देना है ना। अगर दो से ज़्यादा ऑप्शन में ऑक्टेन है तो फिर आपको आगे का बढ़ना पड़ेगा। अब ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे? टू नंबर पे दो ब्रांच है, तो टू कितने टाइम लिखोगे? टू टाइम्स, और एक सिक्स नंबर पे तो ट्राइमिथिल आ जाएगा। उसके बाद फोर नंबर पे क्या है? फोर नंबर पे थ्री कार्बन की एक चेन है जो कि काफ़ी बड़ी है, तो हमें उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। किस तरह से नाम लिखना है उसका याद रखो, ब्रेक करना मतलब नाम किस तरह से ब्रेक करना है उसका। तो गाइस इसको हमेशा जो अलग नंबरिंग मिलते हैं बड़े कंपाउंड्स को उसको हम कॉलम में लिखते हैं आईबीसी में। तो इस बंदे का नाम क्या आ जाएगा? पहले तो देखो ब्रांच कहाँ पे, ब्रांच है वन पे तो वन मिथिल लिख दो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन तीन है तो प्रोपिल लिख दीजिए। दोनों को भी अल्किल के फॉर्मेट में लिखना है, याद रखो दोनों को भी अल्किल के फॉर्मेट में लिखना है। वन मिथिल प्रोपिल ऑक्टेन नाम आ जाएगा इसका, वन मिथिल प्रोपिल ऑक्टेन नाम आ जाएगा इस तरह से। होप सो आपने नोट कर लिया होगा गाइस, अगर नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब कुछ हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने हैं। आंसर तो मैं दूंगा लेकिन आपको अपना ट्राई करना है पहले। ओके, पॉज करके वीडियो। आपके सामने एक कंपाउंड आया, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड है बट इट्स ऑल राइट। ओके गाइस, आपको इजीली आप इसका नाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फर्स्ट रूल अप्लाई करो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट द सच लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, मतलब ब्रांच को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। यहाँ पे आपको एक के अलावा कोई ब्रांच नज़र नहीं आ रही है, तो आपको वैसे ही चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो, और वैसे ही आपको सिलेक्ट करनी जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो। सेकंड रूल क्या कहता है? लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ ब्रांचेस ज़्यादा होनी चाहिए, ये सेकंड रूल था हमारा। उसके बाद क्या कहता है कि आपको नाम लिखते वक्त आपको सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स के नाम, सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम सबसे पहले लिखने होते हैं। अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको उस अलग फॉर्मेट में उसको आगे बढ़ा सकते हो, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच है। एक ब्रांच अगर बड़ी है तो उसको आपको कॉलम में रिप्रेजेंट करना होता है। तो प्लीज़ सॉल्व दिस एग्जांपल, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सॉल्व दिस एग्जांपल गाइस, पॉज कर दीजिए वीडियो, वीडियो को पॉज करने के बाद सॉल्व करिए। ना लुक एट दैट गाइस कि किस तरह से इसका नाम आ जाएगा, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, लुक एट दैट वन, आपको नंबरिंग देनी है। आप इधर से अगर नंबरिंग दोगे तो 1, 2, 3, 4 और इस कार्बन को आ जाएगा 5 नंबर। आप अगर इधर से नंबरिंग दोगे तो इसको भी आपका नंबर चेक कर लो कि कौन सा नंबर आता है, तो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली कौन सा आ रहा है। 1, 2, 3, 4 5, दोनों तरफ से 5 नंबर पे ब्रांच आ रही है, तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से दो,
आंसर विल बी राइट आंसर, क्योंकि आपका आंसर राइट होगा। अब आपको 5 नंबर से आगे बढ़ना है, 6 7 8 की तरफ बढ़ना है आपको, तो 8 की तरफ बढ़ेंगे हम, 6 7 8, और ये लॉन्गेस्ट चेन में आ गई 9 कार्बन, कितने आ रहे टोटल कार्बन, 9 आ रहे हैं। ओके, अब 5 नंबर को जो अटैच हुआ है वो भी एक ब्रांच ही है, बड़े बड़ी ब्रांच है, उसको अलग से नंबरिंग देने, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अलग से नंबरिंग दी थी, तो उस अलग से नंबरिंग देने वाले को किस तरह से नंबरिंग देनी है, 5 नंबर के कार्बन को अटैच है तो उसको कैसे लिखोगे, 5 नंबर के कार्बन को आप 1 2 3, 1 2 3। अब 2 पे अटैच क्या है सर, गाइस 2 पे अटैच है एक ब्रांच, देख लीजिए आप, एक नहीं दो दो ब्रांच अटैच है आपके, और दोनों भी कोने मिथिल कंपाउंड है, दोनों भी कोने आपके मिथिल कंपाउंड है। अब आपको यहाँ से इस तरह से इसको नंबरिंग देना है कि आप सही इस तरीके से नाम लिखो, अगर अभी भी किसी ने नाम नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ नंबरिंग, तो ट्राई करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करिए पॉज करके। चलो अच्छा है, आपने ट्राई किया होगा, अब चेक कर लेते हैं किसका आंसर क्या होगा, तो मतलब समझ में आ जाएगा आपको। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी नंबरिंग सही होगी, और हमारे ब्रांच को नंबरिंग दी है वो भी सही है, 1 2 3। आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है, ब्रांच का नाम लिखना होता है, ब्रांच मतलब कौन, सेकेंडरी, सेकेंडरी वर्ड गाइस, प्रेफिक्स। ओके, तो प्रेफिक्स का आपको अटैच कहाँ पे, 5 नंबर पे, तो 5 नंबर लिख दिया मैंने सबसे पहले, और ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये बड़ा कंपाउंड है, कितने कंपाउंड है यहाँ पे, 2,2-डाइमिथिल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों को भी मिथिल अटैच हुए हैं। उसके बाद आपका लॉन्गेस्ट चेन का नाम आएगा जो कि अल्किल के फॉर्मेट में लिखा है बिकॉज इट इज अ ब्रांच, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपिल, 2,2-डाइमिथिल, और उसके बाद आ जाएगा प्रोपिल। उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन में देखना है कितने कार्बन है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है, 9 के लिए होता है नोनेन, नोन इज अ वर्ड रूट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड, इसलिए ए एन ई लगा दिया, नोन एन हो गया, सो सिंपल गाइस। ओके, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा आपका आंसर आ चुका था, आई होप सो सभी ने जो लिखा होगा उनका राइट होगा, अगर नाइट राइट नहीं है तो प्लीज़ फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करिए, किस तरह से नाम दिया एक बार देख लीजिए, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। ये जनरली नीट और JEE में ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस में ब्रांच निकलना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं नीट और JEE के लिए, तो नीट और JEE वाले स्टूडेंट जो है प्लीज फोकस करके इस वीडियोस को देखिए, दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कौन कौन से आ जाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग, नो एरोमेटिक रिंग, एलिसाइक्लिक मतलब एरोमेटिक नहीं होता। इस कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन तो आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन को लिख दीजिए, और वो अटैच इसको है मिथिल को अटैच है, तो मिथिल उसके पहले लिख लीजिए, मिथिल इज अ ब्रांच, सफिक्स प्रेफिक्स है आपका, तो पहले लिख दीजिए। उसके बाद आपको इस कंपाउंड में दो ब्रांच दिख रही है, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन की रिंग है, बट यहाँ पे ब्रांचेस दो है, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल सेलेक्ट द सच लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर टू फर्स्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, जो पहले अल्किल ग्रुप आता है उसको फर्स्ट नंबर देना होता है। तो यहाँ पे इथिल का ई और मिथिल का एम है, तो इथिल का ई पहले आता है बाद में मिथिल, उसके बाद आपको नंबरिंग इस तरह से देनी है गाइस। ओके, तो यहाँ पे 1 इथिल आ जाएगा और 2 मिथिल आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन आप पहले लिख दीजिए, बाद में 1 इथिल और 2 मिथिल, साइक्लोपेंटेन, इस तरह से आपने इसका नाम लिख दिया गाइस। ओके, सो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते, थोड़ा बड़ा कंपाउंड निकला गाइस, लुक एट दैट वेरी केयरफुली, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट, आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन आपके अंदर गड़बड़ हो जाएगी कि सर अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से इथिल को फर्स्ट आना चाहिए, बराबर है, लेकिन लुक एट दैट वन कि आपके एडिशन पोजिशन पे कौन है, 2 मिथिल ग्रुप है, कितने मिथिल ग्रुप है, 2 मिथिल ग्रुप है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि सिलेक्ट द सच लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ सब्सटेंट कंपाउंड है उसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, तो मिथिल को हम यहाँ पे लोवेस्ट नंबर देंगे, और बाद में इथिल को बाद में फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, इस तरह से आगे हम बाद में बढ़ेंगे गाइस, तो ये हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा आप, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले इस कंपाउंड के अंदर देख लीजिए, आप सबसे पहले इस कंपाउंड के अंदर क्या आ रहा है, रिंग 6 कार्बन की है, 1 नंबर पे आपके 2 मिथिल है, 2 नंबर पे इथिल है, तो 1 नंबर पे है तो 1,1-डाइमिथिल, उसके बाद 2 इथिल आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहले इथिल लिखना है या मिथिल, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल आपको पहले सबसे पहले क्या लिखना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो पहले आता है उसको सबसे पहले लिखना होता है, नंबरिंग में भी वही रूल था बट यहाँ पे 2 मिथिल की वजह से गड़बड़ हो गई,
तो हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखना है आपको इथिल का। किसका नाम लिखना है आपको, इथिल का लिखना है। तो आ जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन रिंग है आपकी, पहले टू इथिल, बाद में 1,1 डाइमिथिल आ जाएगा, डाइड आफ्टर साइक्लोहेक्सेन। गाइस इस तरह से इसका नाम हो जाता है कम्प्लीटली। तो आगे बढ़ते हैं आगे की रूल की तरफ। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर देन, अगर वन फंक्शनल ग्रुप आपका, मोर देन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ वन और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर रहे, तो ऐसे टाइम पे आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस याद रखना होता है, प्रायोरिटी सीक्वेंस को लर्न करना होता है। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी सीक्वेंस अगर आपको आ गया तो यू कैन सॉल्व द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजीली। और प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर में जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें आप इजीली इजी नाम दे देते हो, 1, 2, 3, 4 इस तरह से नाम दे दिया आपने। 2 पे अटैच कौन है, OH है, तो OH का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है गाइस, OH का फंक्शनल ग्रुप होता है, सॉरी OH का सफिक्स जो होता है वो होता है ओवेल। क्या होता है आपका, ओवेज होता है। हमने ये सेकेंडरी सफिक्स में देखा था हमने, आपको याद आ रहा होगा। ओके अगर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए राज राठी सर IUPAC नॉमेनक्लेचर, ओके बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है, ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट का, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए उसमें देख लीजिए, पार्ट 4 का वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो प्लीज़ वो वीडियो को देखिए और थोड़ा सा समझिए उसको, उसके अंदर सफिक्स दिए हुए आपको लर्न कर लीजिए। मैंने आपको कहा था कि उस वीडियोज़ को देखे बिना यहाँ पे मत आइए, ये वीडियोज़ तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस वीडियो आप कम्प्लीटली देख लोगे। तो गाइज यहाँ पे आपको 2OL लगा दिया हमने क्योंकि इसका सफिक्स है, 2 नंबर पे अटैच हुआ है, और ये लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की, तो ब्यूटेन 2OL या फिर 2-ब्यूटेनॉल भी आप इसका नाम लिख सकते हो। ओके इसका नाम आप 2-ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो। नीचे वाला कंसेप्ट देख लीजिए आप एक बार, इसका और करके नाम क्या आ जाएगा, 2-ब्यूटेनॉल आ जाएगा। कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 2-ब्यूटेनॉल क्यों आया, ओके ब्यूटेन 2OL क्यों नहीं आया, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब नीचे वाले कंपाउंड में आपको जहाँ पे OH था मैंने वहाँ पे CL लगा दिया, जहाँ पे OH था वहाँ पे मैंने CL लगा दिया, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू IUPAC लोवेस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, लोवेस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप, तो सब्स्टिट्यूएंट नीचे ऊपर फंक्शनल ग्रुप था, तो आपने नंबरिंग दे दी। तो यहाँ पे क्या है, 2 पे अटैच कौन है, क्लोरो, तो उसका नाम पहले लिखो 2-क्लोरो, और उसके बाद 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन आ जाएगा, 4 नंबर कार्बन का नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ओके इस तरह से आ जाता है नंबरिंग। आपको मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर रहे तो क्या यूज़ करना पड़ता है, प्रायोरिटी सीक्वेंस। लेकिन गाइस ये सिमेट्रिकल है, दोनों भी देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड होते कौन है, कार्बोनिल कंपाउंड आपके जो होते हैं वो कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, दोनों तरफ से कार्बन, लो कहता है दोनों तरफ से क्या है, कार्बन है, और कार्बन होने की वजह से आपका ये जो कंपाउंड, इधर से भी कार्बन है, इधर से भी कार्बन है, इसमें इधर से भी कार्बन है, इधर से भी कार्बन है, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन को क्या, दो फंक्शनल ग्रुप रहे तो क्या लगाओगे, डाय, उसके आगे लगाओगे इसका सफिक्स जो डायोन होता है, क्या होता है, डायोन होता है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा गाइस, इसका नाम आ जाएगा आपका, देख लीजिए आप इस तरह से अच्छे से देख लीजिए इधर, दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट। नंबरिंग दे दीजिए, आपने नंबरिंग किसी भी साइड से दी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दी, तो भी सेम आने वाला है क्योंकि सेम नंबर ऑफ के फंक्शनल ग्रुप आपके, सेम फंक्शनल ग्रुप आप अटैच है आपके। तो ये नंबरिंग 5 कार्बन की है, तो 2 और 4 पे आपका अटैच है कीटोन, याद रखना 2 और 4 पे, और कितने हैं, 2 है, दो के लिए यूज़ क्या करोगे, डाई यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, डाई। तो 2,4 डायोन आ जाएगा, DIONE लगा दिया हमने, ONE क्या है, इसका सफिक्स है, आप कीटोन का देख लीजिए सफिक्स क्या होता है, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, होप सो आपने, ओके गलती की नहीं होगी कोई, बिना देखे हुए यहाँ पे नहीं आना है आपको, मैंने पहले बोला है आपको। सो यहाँ पे आपको पेंटेन 2,4 डायोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेंटेन 2,4 डायोन, क्योंकि 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, और सिंगल कार्बन से अटैच है इसलिए पेंटेन। अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड होता तो हमने पेंटिन किया होता, बट नहीं है। अब नीचे वाला एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, अब 2 डबल बॉन्ड है, टर्मिनल पोजीशन पे कौन सा डबल बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो, लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल, मतलब हर एक चीज़ को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट नंबर नहीं, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आपको देना है जो आ सके आपका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। यहाँ पे 1 इसको आ रहा है टर्मिनल पोजीशन पे, तो 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबरिंग आ गई गाइस। अब इसका नाम लिखना है आपको, नाम क्या आ जाएगा आपका, 1,3 डाइन आ जाएगा, 1,3 डाइन, डाइन क्यों आ जाएगा, क्योंकि सर 2 है डबल बॉन्ड और ENE इज अ वर्ड रूट, सॉरी इज अ आपका, सर वर्ड रूट नहीं, क्या है, प्राइमरी सफिक्स है आपका ENE, प्राइमरी सफिक्स हमने वहाँ पे लगा दिया 1,3 डाइन, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो क्या करना है,
अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल, एक से ज़्यादा कोई मल्टीपल बॉन्ड हैं या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ऐसे समय पे आप इसको पेंट की जगह पेंटा यूज़ करोगे गाइज। ओके, आपने अगर पेंट की जगह यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता तो पेंटा डाइन आ जाता, पेंटा डाइन आ जाता 1.3 पेंटा डाइन, ऐसा भी लिखा तो पेंटा 1.3 डाइन आ जाता है गाइज। तो दोनों तरीके से आपका सही आंसर होगा। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है वीडियो। ओके, आगे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रायोरिटी सिक्वेंस आ जाएंगे आगे। प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप, नाउ लुक एट दैट वन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने एक दिया है नीचे, टेबल देख लीजिए, आपका नीचे की स्लाइड देख लीजिए। आपको सबसे पहला कंपाउंड कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला कंपाउंड जो है वो देख लीजिए यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को होती है। किसको होती है आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद सल्फोनिक एसिड होता है, बट यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि उसका यूज़ हम केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं करते। इसके बाद होता है ईस्टर, ईस्टर के बाद जो दिया है आपको वो है अमाइड। नाउ लुक एट दैट वन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अमाइड के बाद जिसकी नंबरिंग आती है वो है नाइट्राइल, जिसको हम साइनाइड भी बोलते हैं, बट आईपीसी नेम क्या है इसका, नाइट्राइल है। उसके बाद एल्डिहाइड आता है, उसके बाद कौन आता है आपका, कीटोन। उसके बाद आपका ओएच कंपाउंड को क्या बोलते हैं आप, अल्कोहल बोलते हो। देखो ओएच कहाँ पे आ रहा है, कीटोन और एल्डिहाइड के नीचे है। और NH2 कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। अमाइन की भी पोजीशन देखो दूर है काफ़ी, हम बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले आता है, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड आता है। गाइस नोट करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले आता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है। अगर दोनों भी टर्मिनल पे रहें तो आपको नंबरिंग में लोवेस्ट नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। यहाँ से नीचे सीरीज डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग का साइन दिख रहा है आपको, डिक्रीजिंग होती जा रही है। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे टू मच इंपॉर्टेंस बन जाता है प्रायोरिटी फंक्शन। और प्रायोरिटी सिक्वेंस की एक एग्जाम्पल 100% आपको नीट, जेई और सीटी जैसे एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइज फोकस करिए क्वेश्चंस के ऊपर, और प्लीज़ इधर उधर देखना बंद करिए, और जान पे लाना सबसे पहले बंद कर दो यार। मतलब सर कितने देर से वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब बोर हो रहा है यार, बंद कर देते हैं। आप कितनी देर से बड़बड़ कर रहे हो, कितने देर से, मतलब बहुत टाइम हो गया, बंद कर देते हैं वीडियो। इस वजह से क्या हो जाता है आपका, आपका मूड निकल जाता है, एंड इस वजह से आपके आने वाले क्वेश्चंस के जो आपके जो आप पर्टिकुलर नोट्स थे वो आप नहीं निकालते हो, एंड इसीलिए फिर आपका ड्रॉबैक ये है कि आपके बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर नहीं होते हैं। एंड अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में कुछ भी आप नहीं पिकअप पकड़ पाओगे। अगर आपको वहाँ पे पिकअप करना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट पे आपका सबसे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट की वीडियोज़ ही हम लेके आए हैं, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो और इस तरह से आपको आगे बढ़ना है एक करके। ओके, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस कंपाउंड में और क्या आता है। मैंने आपको एक कंपाउंड दिया गाइस, थोड़ा नोट करिए, आपको एक कंपाउंड दिया है CH3 डबल बॉन्ड CHO CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO एल्डिहाइड कंपाउंड है आपका। अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल आपको लोवेस्ट नंबर किसको देना होता है, पहले फंक्शनल ग्रुप को देना होता है। और अगर फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन से बना हुआ है तो डेफिनेटली कार्बन को पहले सिलेक्ट करना है, तो इसका नाम ब्यूट आ जाएगा, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, चार देख लीजिए आप, चार कार्बन की। क्यों है, क्योंकि एल्डिहाइड का भी नंबर पकड़ना है ना इसके अंदर, एल्डिहाइड का भी नंबर आपको पकड़ना है, तो एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग चार कार्बन है। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड अटैच है, तो टू नंबर पे EN लगाना है। और हमने पढ़ा था सेकेंडरी सफिक्स के बाद में, अगर आपके ओ सफिक्स में ओवल्स की स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे एल्डिहाइड का सफिक्स जो है वो AL होता है, अगर ए इज ओवल्स, तो आपको EN ही का ई निकाल देना होता है, या फिर ANE का ई निकाल देना होता है, या फिर YNE का ई निकाल देना होता है। ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे ENE आने वाला है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, तो इसका ई निकाल दिया हमने, और यहाँ पे हमने लगा दिया AL, तो इसका नाम क्या बन गया गाइस, इसका नाम बन गया इनल, टू ब्यूट टू इनल। आपने इसको टू ब्यूटिनल लिखा तो भी चलता है गाइस, ऐसे भी लिखा आपने टू ब्यूटिनल, तो ये भी सही है। तो गाइज यहाँ पे आपका ये टू ब्यूटिनल भी सही आंसर होगा। ओके, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। प्रायोरिटी सीक्वेंस में काफ़ी कुछ एग्जांपल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला रूल आपका क्या आएगा। अब हम कुछ टेबल ले लेते हैं, टेबल के अंदर हम कुछ स्ट्रक्चर्स और उसके नेम ले लेते हैं। आप बताइए मुझे इसका नाम क्या होगा। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने रेड मार्क से टिक इसलिए किया है क्योंकि उसका
प्रायोरिटी टेबल का टेबल देखो, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आ रहा है देख लिया आपने, उसके बाद में ओएच काफ़ी दूर है, ओएच काफ़ी दूर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को लोवेस्ट नंबर देना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा इसका रूल, 1 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। तो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और 2 नंबर पे ओवेज अटैच है तो क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ओवेज का प्रेफिक्स जो होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। ये मैं आगे आपको लिख के दूंगा, ये सारे रूल्स होने के बाद मैं आपको आगे लिख के दूंगा कि इसके प्रेफिक्स भी क्या है, वैसे पढ़ने पढ़ने में आपके सारे हो जाएंगे क्लियर, लेकिन फिर भी मैं आपको टेबल बना के दे दूंगा कि प्रेफिक्स होता क्या है। ओके, वो उनके नाम्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के प्रेफिक्स के नाम क्या होते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड इसका नाम आ जाएगा। ये हो गया एक एग्जाम्पल। नीचे वाले एग्जाम्पल देखिए, जिससे मैंने आपको कहा था वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिया है, लेकिन अगर होता भी तो भी डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग आती है, क्योंकि प्रायोरिटी सीक्वेंस में कौन आता है पहले, प्रायोरिटी सीक्वेंस में आप देखो, प्रायोरिटी सीक्वेंस में यहाँ पे वीडियोस के पीछे दब गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले आता है, उसके बाद में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है, बराबर है, सॉरी साइन गलत होगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है उसके बाद में। ओके, तो हमारा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले देनी है, तो नंबरिंग कहाँ से आएंगी आपकी, नंबरिंग वहाँ से आएगी जहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपका, पेंट, पेंट आ जाएगा सबसे पहले, तो पेंट क्यों, क्योंकि सर 5 कार्बन है, फिर 1 इन, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड अटैच है, इस बार आपको 1 शो करना है क्योंकि डबल बॉन्ड को लिखना है, जनरली 1 नहीं शो किया तो भी चलता है, बट रिप्रेजेंट कर दो तो उसको आसान हो जाता है आपको एक्सप्लेन करना। उसके बाद 3 इन आ जाएगा, क्यों, सबसे पहले डबल बॉन्ड को लिखना होता है गाइज, याद रखो डबल बॉन्ड को सबसे पहले लिखना होता है, बाद में आपको ट्रिपल बॉन्ड को लिखना होता है, ऐसा रूल नहीं है, बट ये वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट वन। ओके, हमें ऐसा रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया होता है। तो पेंट इन सबसे पहले डबल बॉन्ड को लिखो, उसके बाद में लास्ट में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड को लिख देना। ओके, ट्रिपल बॉन्ड का ई निकाला नहीं हमने, ई एन ई का ई निकाला है, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कॉम्पिटिशन होगी तब तो आप डबल बॉन्ड का ई एन ई का ई निकाल दो, और फिर वहाँ पे आपके नंबरिंग के हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड के वाई एन ई लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ओवेच और एन एच टू ग्रुप बॉन्ड है, अगर आप ठीक से देखो तो ये ओवेच है, और यहाँ पे जो वीडियो के पीछे दबाए ये एन एच टू कंपाउंड है, तो मतलब ओवेच की प्रायोरिटी सबसे पहले आती है, तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, कैसे डिसाइड होगा, ओवेच की प्रायोरिटी सिक्वेंस, तो ओवेच जिस साइड में होगा, आपको बताया कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में ओवेच है, तो ओवेच को ही आपकी प्रायोरिटी मिलेगी, सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल ओवेच को सबसे पहले लोवेस्ट नंबर मिलेगा, तो इस तरह से लोवेस्ट नंबर मिल गया। अब आपको इसको नाम लिखना है, जिसका नाम कैसे लिखोगे आप, पहले लिख दो 4 कार्बन का ब्यूट, फिर आपका ओवेच मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी तो उसको हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया। अब 3 नंबर पे कौन है, एन एच टू है, एन एच टू को हम अमाइन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप में, बट एक्चुअली हम उसको अमीनो बोलते हैं प्रेफिक्स में, क्या बोलते हैं प्रेफिक्स में, अमीनो, डोंट वरी मैं लिख के दे दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये प्रेफिक्स आपने कहाँ कहाँ से लाया फंक्शनल ग्रुप के, मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दे दूंगा जिसके अंदर आपको होगा, बस वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, इस वीडियो को हम ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाएंगे, थोड़े से वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बोर हो जाते हो ना, आपकी कंप्लीट आती है सर इतने लंबे लंबे वीडियो खींचते हो आप ना, तो फिर बोर हो जाता है, तो गाइज प्लीज़ देखो स्टॉप कर दिया करो वीडियोस को, और जब आपका मूड हो तब देख लिया करो, बेटर होता है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका 2, और उसके बाद 2 इन आ जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्ड आपको लिखना होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी होती है, और लॉन्गेस्ट चेन में आपका प्रेफिक्स जो है वो 3 अमीनो है, तो 3 अमीनो ब्यूट 2 इन 2 ऑल इस तरह से नाम आ जाएगा। ओके, आपने इसको इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, 3 अमीनो 3 अमीनो 2 ब्यूटीन 2 ऑल, ऐसा भी आपने रिप्रेजेंट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सही आंसर है गाइस। ओके, तो इसमें कोई टेंशन लेने, दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आई होप सो इट्स क्लियर। ओके नाउ, सो गाइस यहाँ तक आपका प्रायोरिटी सीक्वेंस हो जाता है। अब आईपीसी नेम के कुछ फंक्शनल ग्रुप है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये होमवर्क आपको करना है, सॉल्व करिए आप, आपके पास टाइम पीरियड चल रहा है, देखो टाइम उधर काउंट हो रहा है, सो सॉल्व करिए, अगर नहीं आता है तो फिर मैं हूँ बताने के लिए, टाइम अप हो गया गाइस। ओके, आप पॉज करके भी कर सकते हो वीडियोस को वैसे। तो अब देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी सीक्वेंस में देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पे सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद में कीटोन कहाँ पे, ये यहाँ पे,
कीटोन यहाँ पे दिया है आपको और कार्बोक्सिलिक यहाँ पे दिया, तो सबसे टॉप पोजिशन हमेशा किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो लोवेस्ट नंबर हमेशा किसको आएगा सबसे पहले? कार्बोक्सिलिक एसिड को लोवेस्ट नंबर आएगा। लोवेस्ट नंबर किसको आएगा सबसे पहले? कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर 2, 3, 4, 5। अब आपको सर कीटोन का प्रेफिक्स क्या है? तो कीटोन का प्रेफिक्स जो होता है वो ऑक्सो होता है गाइस। क्या होता है? हम कीटोन के प्रेफिक्स को कीटो भी बोलते हैं, और ज़्यादा करके वर्ड जो यूज़ करते हैं वो होता है ऑक्सो। क्या यूज़ करते हैं हम ज़्यादा करके? ऑक्सो यूज़ करते हैं। दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। इसका नाम आ जाएगा पेंटेनिक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन है और 4 नंबर पे क्या लगा दोगे आप? ऑक्सो लगा दोगे, तो 4 ऑक्सो पेंटेनिक एसिड इसका नाम आ जाएगा। ऑक्सो यू गॉट दैट। ओके, ये आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा गाइस। ओके, तो प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए, आपका बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए आंसर। तो प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए दिस क्वेश्चन। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने देखा। और प्लीज़ अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिया है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन क्लिक करिए, ताकि जो पार्ट की सीरीज चल रही है हमारे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस सीरीज कंटिन्यूसली ऑर्गेनिक के बेसिक कंसेप्ट में रहेगी, आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म तक रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि वीडियोस की अपडेट रहती जाए। अब हर टाइम पे शेयर करना पॉसिबल नहीं होता था, आप खुद ही अपडेट कर रख लिया करो कि आज सर का वीडियो आ सकता था, तो हमने नोटिफिकेशन में आ गया, देख लो। और पूरे वीडियो देखा करो यार, स्टेप बाय स्टेप मत देखा करो, और मोस्टली आप जो वीडियोज़ देखते हो ना उसकी नोट्स बना लो तो बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच।